वो ये है कि हमारी जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो 70 साल के बावजूद भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। SC ST का आरक्षण 22.5% है, लेकिन उनकी कुल भागीदारी अभी तक भी तकरीबन 10% के करीब है। जितना बैकलॉग है, खासकर दिल्ली सरकार में, ये भी हमने निर्णय लिया है कि उसको जैसे ही हमारी सरकार आएगी, उसको सरकार में आते ही उस पूरे बैकलॉग को उसको हम भरेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये आप अपने साथियों से भी पूछे जाते हो कि ये जो मनुवादी लोग जो इस समय सरकार में हैं, या श्री अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली में सरकार में हैं, मैं आपको आंकड़ों के साथ ये बताना चाहता हूँ कि ये एंटी रिजर्वेशनिस्ट हैं, ये आरक्षण के विरुद्ध हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म से, स्टेज से तो बोलेंगे कि आप आरक्षण के फेवर में हैं, लेकिन ये वास्तव में आरक्षण के खिलाफ है। कैसे आरक्षण के खिलाफ? अभी हाल ही में दिल्ली की जो है 3 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, पता है आप सबको। राज्यसभा में दिल्ली की 3 वैकेंसी हैं, 3 सीटें हैं, और राज्यसभा में आरक्षण लागू नहीं है, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, तो 3 में से क्या किसी दलित को अरविंद केजरीवाल ने कोई टिकट दिया, सीट दी क्या किसी पिछड़े को? दी किसी धोबी समाज के, किसी गुर्जर समाज के, या किसी कश्यप समाज के, किसी को दी? किसी माइनॉरिटी को दी? 3 की 3 सीटें किसको दी? 2 तो गुप्ता को दी, वो तो वैसे तो वो स्टेज से भी कहता है मैं तो बढ़िया हूँ, तो ऐसे तो बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि बड़ियों का किस तरह से वो फेवर कर रहा है। लेकिन ये तो सरेआम, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है दिल्ली के कि उसने 3 में से 2 सीटें बड़ियों को दी। तो अब जब भी कोई बढ़िया आया, उसका कोई कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आए, तो उसको ये कहो भाई तुम अपने बढ़िया अपनी वोट ले लो, हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए बढ़ियों की, ठीक है ना, तुम अपनी वोट ले लो और अपनी बढ़ियों से अपनी सरकार बना लो, हम अपनी बना लेंगे, ठीक है ना जी, ठीक है। हाँ, एक किसको दी? एक ठाकुर को दी, संजय सिंह को दी, ठीक है, हमें तो नहीं दी भाई कोई सीट, तो अब आप इनको वोट दोगे क्या? नहीं, किसी को देने दोगे? कितने लोगों को जागृत करोगे कि भाई ये? तो इससे ये साबित होता है कि ये आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि राज्यसभा में इनको आरक्षण का मौका नहीं मिला, तो फट से अपने लोगों को टिकट दी, लोकसभा में कर नहीं सकते, लोकसभा की सीटें रिजर्व है, ठीक है ना, कि दिल्ली की 7 में से 1 लोकसभा सीट रिजर्व है, वहां कुछ नहीं कर सकते, वो संविधान में लिखा है, वहां तो एक दलित MP बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो राज्यसभा की 3 थी, 3 में से 2 गुप्ता को दे दिया, ठाकुर को दे दी, ना किसी माइनॉरिटी को दी, ना SC को दी, ना ST को दी, ना OBC को दी, बैकवर्ड को नहीं दी, इसलिए इनको ये बोलो कि भाई तुम अपनी बढ़ियों की सरकार बना लो और बढ़ियों को वोट दे लो, हमारी वोट मांगने मत, क्योंकि तुमने राज्यसभा की 2 सीटें बढ़ियों को दी, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 1 दलित है बस, इसलिए ये सब एंटी रिजर्वेशनिस्ट हैं, ये साबित कर युवा आज के कार्यक्रम में आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और उनको आदिकवि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आदिकवि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के साथ साथ हमारे अन्य जो महापुरुष हुए हैं, गुरु हुए हैं, वे भी आपको आज आशीर्वाद देंगे कि आने वाला समय आपका हो, आपके लोग यानी कि आप स्वयं सत्ता में बैठे, अपने भाग्य का फैसला आप खुद करें, कोई ब्राह्मण, कोई बनिया या कोई अन्य व्यक्ति, मनोवादी ब्राह्मणवादी व्यक्ति आपके भाग्य का फैसला न करे, चाहे वो आपकी वेलफेयर के लिए ही क्यों ना हो। यही
आज की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उद्देश्य भी है, और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम ये भी पूरे दिल्ली प्रदेश को और पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, बहुजन 80%, हम तकनीकी रूप से भी सक्षम हैं और हम गवर्नेंस करना भी जानते हैं। ये नहीं है कि हम यहाँ पे रौला पाएंगे और थोड़ी बातें करेंगे, समाज की बातें करेंगे, बाबा साहब की बातें करेंगे, संविधान की बातें करेंगे और फिर ऐसा नहीं है। हम एक सोची समझी रणनीति के अनुसार अपने सभी साथियों से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ रहे हैं और हम पूरे सर्व समाज को, बहुजन समाज को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास गवर्नेंस का एजेंडा है, किस प्रकार हम अपने हमारा जो समाज दबाकुचला समाज जो दिल्ली और अन्य शहरों की गंदी बस्तियों में रह रहा है, नारकीय जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या उनको इस नारकीय जीवन से निकालने के लिए हमारे पास कुछ संस्थाएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ सोच है, ये भी तो पता होना चाहिए, वरना सत्ता हासिल करने का फायदा क्या? बहुत से लोगों ने की, और हमारी बहन मायावती जी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 10,000 केस प्रति वर्ष प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में होते हैं, जो कि इस देश के सबसे अधिक हैं, अधिक संख्या में हैं। तो एक ऐसा प्रदेश जिसमें हमारे आपके अपने समाज का मुख्यमंत्री 4 बार रह चुका हो, क्या उस प्रदेश में इस तरह की व्यवस्थाएं दोबारा बनने दी जा सकती हैं? मगर बन रही है, क्योंकि कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ उसके बारे में सोच अर्जित नहीं की गई। खैर, बातें लंबी हो जाएंगी, जल्दी जल्दी, थोड़ी सी लंबी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कुछ स्लाइड्स को मैं स्किप कर दूंगा, लेकिन मुख्य मुख्य स्लाइड्स आपको जरूर दिखाऊंगा। ये 2020 में दिल्ली को फतेह करने की कवायद है, जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसीलिए इतनी दूर से कानपुर से आए हैं सुलेमान शाह जी, तो वो इसलिए आए हैं कि इस ये जो हमारा आंदोलन है, ये जो हमारी मूवमेंट है सत्ता प्राप्ति के लिए जो हम एक प्रयास कर रहे हैं, इसको बूस्ट मिले, इसमें शक्ति आए। सिंपल है, हम 2020 में दिल्ली में सत्ता प्राप्त करके और सत्ता में बैठना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा अपने फैसले हम स्वयं करना चाहते हैं। एक सपना रहता ही है हमारे समाज का, हमेशा से सपना रहा है कि दिल्ली जो इस देश की सदियों से राजधानी रही है, महाभारत में भी इसका जिक्र आया है कि इंद्रप्रस्थ के नाम से ये हमारी राजधानी, हमारे देश की राजधानी रही है, उसका मुख्यमंत्री एक दलित समाज से हो, और हम सब लोगों ने ये सोच समझ के सलाह मशवरा करके विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया है कि श्री अशोक अज्ञानी वाल्मीकि जी दिल्ली के 2020 में होने वाले चुनाव के पश्चात हमारे समाज के प्रथम इस देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। ये सपना अब आप सब लोगों को मिलकर पूरा करना है, और अशोक अज्ञानी जी सक्षम हैं और बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत हैं, संविधान की उनको जानकारी है, मजदूरों
और गरीबों की, मजलूमों की, दलितों, पिछड़ों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की लड़ाई लड़ते हैं, और जो जागरूक व्यक्ति हैं, समझदार हैं, वो इस दिल्ली की गद्दी पे बैठने के सबसे लायक आज की तारीख में व्यक्ति। हमारा जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं समझता हूं कि उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की शुरुआत भी हमारी जो देश की राजधानी है दिल्ली है, इसमें तो खैर बहुत से बड़े बड़े महान मुस्लिम शासक रहे हैं, अकबर जैसे लोग रहे हैं इस देश के शासक, लेकिन दोबारा जो हमारे भाई मुस्लिम भाई हैं उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की शुरुआत भी हम दिल्ली से ही करना चाहते हैं, और हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है यदि हमारी सरकार दिल्ली में बनती है, यदि हम दिल्ली में सत्ता प्राप्त करते हैं, तो एक उप मुख्यमंत्री जो है वो मुस्लिम समाज से होगा। कहते हैं कि चमार बड़े महान ग्रेट होते हैं, उसने लिखा हुआ है ग्रेट चमार क्या है, हमारा युवा वो चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, तो हम ग्रेट हैं, और जाटव हमारे भाई, हम तो एक ही है वैसे, चमार जाटव तो एक ही होते हैं, लेकिन वो फाइटर हैं, फाइट करते हैं, तो उनका भी इस सत्ता में एक भागीदारी हो, और एक उनका व्यक्ति भी गवर्नेंस में भागीदार हो, उसके लिए भी, उनके लिए भी उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो चमार या जाटो समाज से दिया जाए। ये तो जाहिर है कि दिल्ली की जो अगली सरकार है उसमें किसका वर्चस्व होगा, प्रश्न ये है। अभी तो वर्चस्व किसका है, हमारे गौतम जी हैं एक मिनिस्टर बेचारे, पता नहीं उनकी, मैं तो काफी दिनों से शक्ल भी नहीं देखी, कहाँ है वो, क्या करते हैं, क्या उनका दिनचर्या है, क्या उनका गवर्नेंस में कोई हिस्सा है, क्या वो कोई निर्णायक फैसले कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो रोज हर रोज चेहरा देखता हूँ अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का, उसका जैन का पूरा नाम क्या है, सत्येंद्र जैन का, और एक वो गोपाल राय का, ये तीन चार चेहरे हैं। कभी गौतम जी को आपने देखा भाई टीवी पे कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हुए, तो किसका वर्चस्व है, तो ये जो ट्रेंड है और ये जो घड़ी की सुइयां हैं इनको हम उल्टा करेंगे, और आने वाली सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे अति पिछड़े भाई और हमारे मुस्लिम भाई और अन्य माइनॉरिटीज का वर्चस्व इस सरकार में होगा। कुछ बातें हो जाए हमारे समाज के साथ, जब हम कहते हैं कि 3,500 साल से ज्यादा समय से हम पर अत्याचार, जुल्म, भेदभाव, छुआछूत और बहुत सी जो रुकावटें हमारे विकास में ही मानववादी लोगों ने डाल रखी है, उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए, थोड़ी सी एक स्लाइड है। जो संविधान के बनने के बावजूद भी और हमारी आजादी, हमें इस देश को आजादी मिलने के बावजूद भी जो हमें संविधान में समानता के अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 14-15 में, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें हमारे साथ हो रही हैं। मैं माफी चाहूँगा, ये जो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, और मैं तो समझता हूँ कि हम बाबा साहब की संतान हैं जो इस दुनिया ना केवल इस देश के बल्कि इस दुनिया के सबसे महान व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति उनको माना जाता है। ये यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी इस चीज़ को माना है, आप सब जानते हैं ना इस बात को। हाँ, तो अंग्रेजी समझना भी आपका धर्म है, फर्ज है,
बाबा साहब की कोई कोई भी किताब जो है हिंदी में नहीं है, सब अंग्रेजी में है। जिसको उनके असली विचारों का पता लगाना है, समझना है, उनको उनके लिए अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। अनुवाद तो हुआ है, अनुवाद की क्या बात होती है, अनुवाद तो ओरिजिनल थोड़ी होता है। तो एज ओल्ड कास्टियस सोशल इनइक्वालिटी स्टिल गोइंग ऑन अनअबेटेड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट बेस्ड वायलेंस परपेट्रेटेड बाय अपर कास्ट हाई एंड माइटी कंटिन्यूज इन फुल स्टीम। वी शैल डिक्लेयर ए वार, वी शैल डिक्लेयर ए वार अगेंस्ट दिस इविल सोशल स्कार, जिसको दाग कहते हैं हम लोग हिंदी में, एंड यूज आवर मींस टू इरेज इट कंप्लीटली। इसको पूरी तरह से हम समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे। हमारा ये ध्येय होगा कि इस तरह की सोशल इनइक्वालिटी, जातीय हिंसा और हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो ना हो, वो हमारी प्राथमिकता होगी इस सरकार की। ये मैं आपको बता दूं। अब आप बात कर रहे थे मॉब लिंचिंग की, तो जैसा कि सुलेमान जी ने कहा अभी साहब साहब ने, तो ये हम चाहें तो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हमें दम है और कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे हमारे जो दलित समाज में हम अक्सर हम बात करते हैं जब आपस में इकट्ठे मिल के बैठते हैं, भाई हमारा जो जो युद्ध का जो झंडा है या युद्ध के जो हथियार हैं हमारे वाल्मीकि भाई उठाते हैं, जब कहीं बात होती है तो फिर वाल्मीकि भाई हमारे आगे आते हैं। इसी प्रकार जब कभी इस तरह की कोई बात आए या कोई किसी दबंग आदमी को रोकने की बात आए तो हमारे मुस्लिम भाई की किसी से कम नहीं है। लेकिन हालात इस देश के अंदर इस वक्त ऐसे हैं कि जितना हम आग में घी डालेंगे उतना नुकसान हमें ही होगा, इसलिए हमको धैर्य रखना है जो सुलेमान जी कह रहे हैं। लेकिन मोबिलिटी के बारे में बात हो रही थी, इस प्रकार से हमारे समाज की जो है सुरक्षा की जाए। मोबिलिटी में मुझे लगता है 100 से ज्यादा मामले हो चुके हैं अभी तक, और 6 साल तकरीबन 6 साल इस सरकार को बने हुए हो चुके हैं। क्या मॉब लिंचिंग में किसी को आज तक सजा मिली है 6 साल? और जो लोग बरी हुए हैं बड़े हास्यास्पद से तरीके से बरी किए गए हैं, पीलू खान के जो हथियारों को जो जिनके बाद जो जिनका मुकदमा चला जयपुर में, वो बरी हो गए। वो कैसे बरी हुए हुए? जो वीडियो की जो एविडेंस थी, जो वीडियो वहां पे प्रस्तुत किया गया था, उसको जज साहब ने कहा कि ये एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, यही कहा था साहब ने, इनएडमिसिबल कर दिया। जो वीडियो की जो एविडेंस थी उसको इनएडमिसिबल कर दिया और उनको बरी कर दिया, और बाकी जो गवाह थे और जो थे जो वहां पर सीन पर, वो तो सब पहले से सब हॉस्टाइल हो चुके हैं। तो ये भी हमको देखना है कि किस प्रकार हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम समाज है, उनकी सुरक्षा चक्र को किस तरह से मजबूत किया जाए, और किस तरह से ये जो लोग 300-300 लोग मिलकर एक आदमी को मारते हैं, किस तरह से उनको सही किया जाए, उनको खदेड़ा जाए। दिल्ली के अंदर मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, सफाई कर्मचारियों का जो जीवन यापन है किस प्रकार चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम करते हैं सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सफाई कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी भाई क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम आप लोगों की गलियां साफ करते हैं, आप लोगों की सड़कें साफ करते हैं, आप लोगों का टॉयलेट भी साफ करते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? यानी कि हम आपको एक ताजा हवा देते हैं सफाई के बाद, हमें क्या मिलता है? हम एक जहरीली गैस की सांस लेकर जब जब हम सीवर साफ करने के लिए उतरते हैं तो हमें जहरीली गैस मिलती है और हम उसी सीवर में मर जाते हैं। हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई 2-3 बच्चे हमारे मरते हैं, ये चल रहा है। वो 2-3 दिन एक हल्ला उतरता है, 2-3 दिन एक कुछ बातें होती हैं टीवी पे भी,
डिबेट्स होती हैं, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, उसके दो तीन महीने के बाद भी कोई ना कोई मर जाता है। तो हमारी सरकार क्या करेगी यदि हम सरकार में आते हैं, यदि हम सत्ता में आते हैं? तो हम इस ये जो सिलसिला चल रहा है इसको बदलेंगे और इकोनॉमिकली और टेक्निकली हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको एम्पावर करेंगे। टेक्निकली एम्पावर कैसे करेंगे? अब इटली में चले जाओ, जापान में चले जाओ, कहीं से भी चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, वहां कोई मरता है? सीवर साफ करते हुए या कूड़ा उठाते हुए ये काम करता हुआ आज कोई मरता हुआ देखा? कहीं खबर पड़ी है इंटरनेशनल? नहीं ना, यही मरते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्निकल सुपीरियरिटी है। जो वहां के सफाई कर्मचारी हैं वो एक एयर कंडीशन बस में आते हैं और ऑटो सिस्टम लगा हुआ है हर चीज का, सफाई करने का भी, कूड़ा उठाने का भी, उनको कुछ नहीं करना है। उनका जो कैबिन है वो एयर कंडीशन है और जब वो बाहर निकलेंगे उनके कपड़ों से भी कोई बदबू नहीं आती है, ताकि उनसे उनके नजदीक कोई खड़ा ना हो। तो ये टेक्निकल सुपीरियरिटी हम अपने सफाई कर्मचारी भाइयों को देंगे और इकोनॉमिकली स्ट्रांग करेंगे उनको। इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने का हमने सोचा है, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था अपने अशोक गांधी जी से कि जितनी तनख्वाह, जितने पैसे उनको महीने के तनख्वाह के मिलते हैं, मान लो 30,000 मिलते हैं या 40,000 मिलते हैं, उतना ही उनको रिस्क अलाउंस किया जाएगा हमारी सरकार द्वारा, यानी कि उनकी टोटल इनकम जो है वो दुगनी हो जाएगी। मान लो उनकी तनख्वाह 30,000 है तो उनको 30,000 ही रिस्क अलाउंस, भाई कभी भी मर सकते हैं, ऐसा खतरा उनकी जान पर बना रहता है। जैसे ही सीवर में उतरते हैं कभी भी मर सकते हैं, तो रिस्क अलाउंस उनको दिया जाएगा जो उनकी बेसिक पे, यानी कि मामला अगर 30,000 रुपए उनकी बेसिक पे है उसके बराबर ही होगा। कहने का मतलब है, थोड़ी सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में कहने का मतलब ये है कि हमारे सफाई कर्मचारियों भाइयों की तनख्वाह जो है वो दुगनी हो जाएगी यदि हमारी सरकार सत्ता में, और उनकी जो सेवाएं हैं आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम चला हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में, उनकी सेवाओं को रेगुलराइज किया जाएगा, ये भी हमने तय किया है, यानी कि उनको परमानेंट पक्का कर देंगे हम लोग अगर हमारी सरकार आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? दे शैल बी गिवन स्पेशल एम्प्लॉय स्टेटस। स्पेशल एम्प्लॉय कौन होते हैं भाई? स्पेशल एम्प्लॉय होते हैं जिनको स्पेशल तरह से ट्रीट किया जाए, यानी कि उनको स्पेशल इक्विपमेंट दिए जाए, उनके जो रूट हैं काम करने के वो स्पेशल हों, विश्व स्तरीय हों, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनको उनकी वर्दी अच्छी हो, उनके काम करने के जो हथियार हैं वो अच्छे हों, ताकि उनकी जो जो हेल्थ हैजार्ड उनको इस सफाई के काम से पैदा होते हैं, उन हेल्थ हैजार्ड से उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनको बचाया जा सके। स्पेशल स्टेटस का मतलब यही है। उसके लिए फिर हम जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे, गवर्नमेंटल ऑर्डर जारी करेंगे, हो सका तो कानून भी बनाएं इसके बारे में। अब ये तो आप पढ़ते ही रहते होंगे अखबारों में और फोटो भी रोज आती है टाइम्स ऑफ इंडिया में, मेरे घर तो टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, रोज मैं फोटो देखता हूँ कि हमारा दिल्ली जो है वो स्लम सिटी है। यहाँ पे हर क्षेत्र में, हर कोने में स्लम्स हैं। जो बस्तियां कई कई साल 30-40 साल पहले बस गई थी उनमें कोई सुधार नहीं है, वो एक स्लम की जिंदगी जी रहे हैं। और ये मैं पढ़ रहा था दुनिया में काफी शहरों में जो ये स्लम है उनको खत्म करने के क्या क्या उपाय किए गए, किस प्रकार वो स्लम्स खत्म हो सकती हैं, वो मेरे पास एक पूरी डिटेल है, वो यहाँ तो नहीं हम दिखा सकते ना बता सकते हैं, लेकिन हम पूरा अध्ययन करके इसको भी एक अपने अपनी सरकार का या अपने समाज का एक ध्येय एक उद्देश्य बनाएंगे कि किस प्रकार दिल्ली जो हमारी कैपिटल है जहाँ पर हमारी सरकार बढ़ने जा रही है उसको स्लम
सिटी से वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बहुत से तरीके हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री है दिल्ली की। जैसे मैंने कहा था अभी कि यहाँ पर बहुत से शासकों ने राजे किए हैं। ये स्लाइड दिखाने का मतलब ये है कि दिल्ली जो है वो हमेशा से भारत का ताज रहा है, क्राउन रहा है। इसका महत्व है। इसलिए जब तक हमारा समाज हम लोग मिलकर दिल्ली पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो आंदोलन है पूरे देश में नहीं फैल सकेगा। और ये फोकस भी यहीं पे रहता है, पूरी प्रेस का, पूरी बुद्धिजीवी वर्ग का, मीडिया का। तो जब तक हम दिल्ली को फतेह नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। ये पढ़ सकते हैं आप, कब कौन कौन रहे हैं, आपको थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी मिल जाएगी, आपकी यादें ताजा हो जाएं। एक स्लाइड में दिखाना चाहता था पिछली। ये देखिए, ये दिल्ली में खुसरो भंगी अलियास नसीरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल 1320 से 5 सितंबर 1320 तक शासक रहे हैं यहाँ पर, भंगी समाज के राजा। तो ये दोबारा चक्र जो है चलकर वहीं पर पहुंच गया है और दोबारा फिर एक वाल्मीकि समाज का मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश में बनने जा रहा। आप लोग कुर्सियां भी छोड़ के चले गए, सब लोग क्या हो गया? दिल्ली जो है ये सिटी ऑफ 9 सब सिटीज, इसके बारे में लिखा गया है, कहा गया है ये इसके सब सिटीज हैं। लाल कोट, किला राय, पिथौरा, मैरोली, चीरी, तुगलकाबाद, जहां बना फिरोजाबाद, दिल बना। शेरगढ़, शाहजहानाबाद और रूटीन दिल्ली जो आप देखते ही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमें गवर्नेंस की समझ है, हम दिल्ली की जो समस्याएं हैं उनको समझते हैं, किस प्रकार दिल्ली की जो मिडिल क्लास है उन अपनी समस्याओं के लिए या उनके विरुद्ध किस तरह से रिएक्ट करती है, उसको सोचते हुए हमने ये एक स्लाइड बनाई है। लेट अस डायग्नोज द एलिमेंट। पोल्यूशन है अभी दिल्ली में, सबको पता है कितना भयंकर पोल्यूशन है। और पोल्यूशन केवल हवा का नहीं है, पानी का भी है और लैंड का भी है। उसके बाद लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, आप समझते हैं। सड़कें हमारी दिल्ली की देख लीजिए आप, रिंग रोड ही देख लीजिए, क्या ये इसको विश्व स्तरीय कह सकते हैं? जगह जगह पोर्ट होल्स हैं, खड्डे हैं, और जो कॉलोनियों की सड़कें हैं, इंटरनल रोड्स हैं, उनकी तो हालत खस्ता है। सीवर है, पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो गलियां हैं हमारे इस दिल्ली की वो कितनी घटिया किस्म की हैं आप सब जानते हैं, उनको भी हम ठीक करेंगे। और दिल्ली के अंदर जो एक और बड़ी समस्या है जब से ये सरकार आई है 6 साल पहले से, ये जो स्ट्रे कैटल, हम स्ट्रे कैटल में भैंस तो है नहीं, ना बकरियां हैं, ना भेड़ हैं, कौन है, कौन से पशु दिल्ली की गलियों में आजकल बैठते हैं? भाई गाय है। जगह जगह पूरे एक ग्रुप्स में, एक झुंड में गायें जो है 25-25, 30-30 के ग्रुप में सड़क पर बैठ जाती हैं, सड़क का ब्लॉक कर देती हैं। और यहाँ तक कि कितनी ही बार मैंने अखबार में पढ़ा है कि जो बैल है, बैल को जब गुस्सा आ जाता है उन्होंने गुस्से में आकर कई हमारे युवाओं को जान से भी मार दिया है। तो इस समस्या से भी हम दिल्ली को निजात दिलाएंगे, क्योंकि आजकल तो सब लोग गूंगे हैं, मुख्यमंत्री के पास पावर है लेकिन उसका मुंह बंद है, क्योंकि गाय के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। और जो केंद्रीय सरकार है वो तो गाय के ऊपर उगाती है, गाय के लिए स्पेशल मंत्रालय तक उन्होंने बना रखे हैं। लेकिन हमें तो अपने जो गरीब समाज है, जो दो लोग गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, उनकी सुरक्षा को देखना है। तो इस समस्या से भी हम दिल्ली को
निजात दिलाएंगे, मंकी मिलन से है, गार्बेज डंप्स ऑल अराउंड। एक हॉलैंड में भी पढ़ रहा था, हॉलैंड के कुछ साल पहले एक यहाँ पर राजदूत हुए थे, उन्होंने कहा था दिल्ली इज ए गार्बेज डंप, दिल्ली जो है कूड़े करकट का ढेर है। किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर लगे पड़े हैं और वहाँ पर प्लास्टिक के बैग्स पड़े हैं और सड़ान है, बीमारी की जड़ है। तो इसको भी इसका, जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है स्वच्छ भारत की बात करते हैं सारा दिन, इनाम भी लेके आगे वहाँ बिल गेट्स से जाके न्यूयॉर्क के अंदर, तो लेकिन अपने जो जिसको कहते हैं ना दिए के तले जो है वो अंधेरा है। यहाँ बैठे हैं लेकिन दिल्ली एक गार्बेज डंप के रूप में काम कर रही है। और जब मानसून आता है, आपने देखा है अगर आधा घंटा जम के बरसात हो जाए दिल्ली के अंदर या एक घंटा जम के बरसात हो जाए तो कितने कितने फुट पानी खड़ा हो जाता है, ट्रक तक डूब जाते हैं, ट्रक तक, गाड़ियां तो छोड़ दो, कारों के टायर तो इतनी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको, बहुत टाइम लग जाएगा। ये जैसे ही दिल्ली में मानसून आता है छोटी छोटी कॉलोनियों में सड़कों पर हर जगह पानी इतना गहरा खड़ा हो जाता है, बच्चे भी डूब के कहीं उसमें मर गए हैं। क्या इसके बारे में कोई ये सरकारें सोच रही हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम ही यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, कोई पता नहीं है। पब्लिक स्कूल्स उनका बुरा हाल है और हेल्थ सर्विसेज, अभी हमारे एक साथी हैं असगर अली जी, उनको दिल की प्रॉब्लम हो गई और वो चेकअप कराते उनको एक महीने के बाद उनकी बारी आई स्टेंट डालने की। ये जो कौन सा हॉस्पिटल है ना सफदरजंग जी, वो जो उधर साइड में है, ये इसी एरिया में है, गुरु तेग बहादुर जी वो अरविंद लाल महाराज है यार, यही पे है जहाँ पे हार्ट डिजीज के जाना पांच। एक महीने के बाद उनको इतनी भीड़ है, एक महीने के बाद उनको टाइम मिला स्टंट डालने, और स्टंट डालने वाले डॉक्टर ने बड़े बुरी तरह से पता नहीं मिसट्रीट किया, पता नहीं मुसलमान समाज किया के साथ इनका, दुश्मनी है कुछ, तो बड़ी मुश्किल से उसके उनके स्टंट बदले। बस जल्दी जल्दी कर देता हूँ, दिल्ली मेट्रो अगर आप टेक्निकली डिस्कस करें, ये जो लोग आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं आज के मुख्यमंत्री जी, मैं भी एनआईटी कलकत्ता का पढ़ा हूँ, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो दिल्ली का मेट्रो का जो फोर्थ फेज है, और दिल्ली मेट्रो जो है ट्रांसपोर्ट के मामले में दिल्ली की गरीब जनता की लाइफ लाइन है, जान, ठीक है ना, तो ये 4 साल डिले क्यों हुआ हम पूछेंगे, पब्लिक में जाएंगे इनसे पूछेंगे 4 साल कैसे डिले हो गए। आप अगर जो लोग अखबार को फॉलो करते हैं पढ़ते हैं उनको पता होगा कि ये दोनों लड़ गए हैं आपस में, केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार, कि कितने परसेंट कौन सी सरकार फंड देगी तब ये फोर्थ फेज शुरू होगा, उसकी जो टेक्निकल वायबिलिटी तक अभी ये तय नहीं कर पाए हैं। मेट्रो के भी कई तरह के मेट्रो के रूप है, मेट्रो नियो है, मेट्रो नियो चलानी है या ये जो नॉर्मल मेट्रो जो हमारी चल रही है जो पहियों पे चलती है वो चलानी है, वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं, 4 साल डिले हो गया। मिस्टर श्रीधरन का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, वो उन्होंने जितने भी फेज चलाए वो जो टारगेट टाइम लाइन थी उससे पहले उन्होंने पूरे किए, टारगेट डेट से पहले पूरे किए सारे फेज, और जब से वो चले गए रिटायर हो गए अभी आप देख लीजिए 4 साल डिले हो गया मेट्रो का फोर्थ फेज। जो लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उनको पता कितना सुखदायी सफर है, और दिल्ली की जो बसें हैं 11,500 बसें चाहिए दिल्ली के अंदर, 11,500 की रिक्वायरमेंट है और है कितनी, केवल 5,000, 60% एफिशिएंसी है। कौन जिम्मेवार है इसका, और बसों में कौन ट्रैवल करता है, बसों में कोई अनिल अंबानी अडानी धनाढ्य लोग अमीर लोग तो ट्रैवल नहीं करते, बसों में आप और मेरे जैसे गरीब आदमी ट्रैवल करते हैं, तो 60% कमी है आपके लिए जो बसें चलती हैं सड़कों पे, वो उसमें 60% की कमी है, और ये 5 साल में
6,500 बसें थी थी भाई बताओ आप इस तरह की एफिशिएंसी है यदि गम्मापन कहेंगे कि नहीं कहेंगे ये आपने वोट डालते हुए सोचना है और अपने साथियों को अपने रिश्तेदारों को भी बताना है कि भाई ये जो सरकार जो चल रही है दिल्ली के अंदर और केंद्र के अंदर ये निकम्मे लोग हैं जो काम कहते हैं वो करते नहीं हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट में सबसे आगे हैं मैं मेरे घर से टाइम्स ऑफ इंडिया आता है तकरीबन 2 पेज डेली अरविंद केजरीवाल जी की फोटो होती है दो पेज तो टाइम्स ऑफ इंडिया में और मैंने उसका रेट पढ़ा फिर इंटरनेट पे वो क्या रेट है एक पेज फुल पेज का टाइम्स ऑफ इंडिया का 60,00,000 रुपए है एक पेज का रेट 2 पेज के कितने हो गए 1,20,00,000 रुपए डेली एक अखबार में और मेरे 50 अखबार हो गए बाप ने बताइए ये पैसा कहाँ से आ रहा है क्या ये पैसा स्कूलों में नहीं लगाया जा सकता क्या ये पैसा जो है हमारी जो झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां हैं उनकी सड़कें ठीक करने के लिए उनके सीवर सिस्टम ठीक करने के लिए उनको अच्छा साफ सुथरा पानी पिलाने के लिए नहीं लगाया जा सकता तो भूख फिर के बाद वही आ जाएगी ये सोच ही मनुवादी है आपको 100 रुपए का बिजली का बिल आपको माफ कर देंगे आपके घर 2 किलो चावल डाल देंगे आधा किलो दाल डाल देंगे खाओ और सो जाओ सड़कों की बात मत करो साफ पानी की बात मत करो साफ हवा की बात मत करो और अच्छे अच्छे स्कूलों और अस्पतालों की बात मत करो बस खाओ पियो सो जाओ आपको मुफ्त में राशन दिया जाएगा मुफ्त में दाल दी जाएगी क्योंकि तुम भिखारी हो और हम तुम्हारे दाता हैं ठीक है जल्दी कर देते हैं ये पोल्यूशन के बारे में कुछ आंकड़े हैं आपको तो समझ में नहीं आएंगे लेकिन इन आंकड़ों से मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि पोल्यूशन जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने कम किया है जो लोग पढ़े लिखे हैं समझ फटाफट एक नजर मार लीजिए ये बड़ा है पोल्यूशन पोल्यूशन के 2 इंडिकेटर्स हैं एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स और दूसरा PM2.5 ये दोनों बड़े हैं 2018 में दिल्ली को ग्रीन पीस और आईक्यू एयर विजुअल्स नामक की जो दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती हैं 2018 दिसंबर में दिसंबर 2018 को दूर नहीं था 7-8 महीने पहले ही था दुनिया की सबसे मोस्ट पोल्यूटेड शहर को उसको घोषित किया गया तो आप जो दिल्ली की जो हवा ले रहे हैं ये हवा नहीं है ये जहर है ये गैस चैम्बर में बैठे हैं ये वही है क्या बदल सकते हैं हम लोग इसको बिल्कुल बदल सकते हैं बीजिंग में बदला है कुछ लिखा है मैंने अगर आप पढ़ सकते हैं तो एक चीज इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सीएम साहब हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी और दूसरे भी जो लोग हैं दिल्ली के भी जो केंद्र सरकार भी है उसके लोग जो हैं वो कहते हैं कि स्टबल बर्निंग से जो पीछे हम हरियाणा पंजाब में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फरारी जलाते हैं ना स्टबल उसकी वजह से हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब हो जाता है बढ़ जाता है लेकिन एक स्लाइड में मैंने पूछा आपको दिखाया है ये देखिए दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 165 ठीक है अंबाला का कितना है 111 और चंडीगढ़ का कितना है 94 जलंधर का कितना है 68 और हिसार का कितना है 125 मैं ये साबित करना चाहता हूँ आपके सामने कि हमारा जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल ये तो खैर इसमें कोई दोराई नहीं है कि वो झूठ बोलता है लेकिन एयर पोल्यूशन के मामले में भी वो झूठ ही बोल रहा है स्टबल बर्निंग से यदि कोई किसी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो पाता तो फिर अंबाला का भी खराब होना चाहिए था चंडीगढ़ का जलंधर हिसार इन सब का खराब होना चाहिए था ना उनका दिल्ली से कम है समझ गया बात है जितने भी पत्रकार भाई हैं मेरे ठीक है
ये बातें हम जब इलेक्शन कैंपेन करेंगे उसमें काम आएगी, अभी तो टाइम हमारे पास कम है। पानी का देख लीजिए, ये पानी का हाल है दिल्ली का। मैं पूरा तो इसको एनालिसिस नहीं कर पाया, फिर उसका टाइम कम था, लेकिन कुछ फोटोग्राफ है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दिल्ली के पानी के, कि दिल्ली में पानी का क्या हाल है, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन का क्या है। देख लिया ना, ये कौन, ये किसी कौन से समाज के बच्चे हो सकते हैं, आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं। देख लीजिए, और ये फोटोग्राफ ऐसे पानी की ली गई है जो जो हमको ये कहते हैं क्लीन करके हमको वाटर सप्लाई पीने के लिए दिया जाए, ये फोटो उस चीज की है। ये इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसकी वजह से कितना हमारे जो वाटर बॉडीज हैं कितनी पोल्यूटेड हो रही है दिल्ली के अंदर। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना ट्रीट किए जब वाटर बॉडीज में छोड़ा जा रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार दिल्ली सरकार है, क्योंकि उसके सारे अधिकारी और कर्मचारी और मंत्रीगण उनसे हफ्ता या जो भी है महीना जो है वो लेते हैं, रिश्वत खाते हैं उनसे, ठीक है ना। ये कभी ठीक नहीं होगा। ये देख लीजिए, तो ये तो प्रेजेंटेशन मेरी यहाँ पर खत्म होती है। और बहुत सी बातें हैं दिल्ली के अंदर जो चल रही हैं, दिल्ली के अंदर जो जो असुरक्षा का एक माहौल बन रहा है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी औरत अपने सोने का सामान पहनकर जाते हुए किसी किसी ऐसे ऐसी सड़क पर ऐसे इलाके में जाने से कतराती है जहाँ पर कोई आसपास कोई भी बंदे ना हो या भीड़ ना हो। आजकल तो वैसे सरेआम कल ही मैं पढ़ रहा था कि कनॉट प्लेस में भी एक चेन स्नैचिंग हो गई, कनॉट प्लेस में, ठीक है, जहाँ सुनसान जगह है उसकी बात तो अलग है। तो एक असुरक्षा का जो ये माहौल दिल्ली के अंदर बन रहा है कि दिन दहाड़े, अच्छा जो सीनियर सिटीजन है, जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं, कपल्स हैं वृद्ध, उनकी हत्याएं हो रही हैं कॉलोनियों में। तो दिल्ली का जो कानून व्यवस्था है जिसके जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में कैसे नहीं है, जब मान लो हमारा अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं और कहीं ना कहीं कोई इस तरह की वारदातें बढ़ती हैं और बढ़ती रहती हैं, उनके कोई रोकने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्या हम हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे, क्या हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, मुख्यमंत्री होते हुए सड़कों पर बैठेंगे, लोगों का एक आंदोलन चलाएंगे इनके खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ, तो अरविंद केजरीवाल चला रहा है क्या, बैठा है बस एक स्टेटमेंट दे देते हैं, हो गया। तो ये सारी बातें हैं और भी बातें जब धीरे धीरे हम आपके पास आएंगे, आपकी बस्तियों में आपकी गलियों में आएंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो सारी बातें होंगी, खुलकर होंगी कि किस प्रकार हम अपने स्कूलों को ठीक करेंगे, अस्पतालों को ठीक करेंगे, इन कॉलोनियों का जो है स्वरूप बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मुख्य बातें जो मैं बताना इसको तो ये तो बंद हो गया है बताना चाहता हूँ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।